स्टूडेंट्स यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड सो चैप्टर टेबल एंड पिरोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का आज हम टॉपिक करेंगे वो है एटॉमिक रेडियस अटोमिको दैट एटम्स आर वेरी स्मॉल्स बहुत स्मॉल के होते हैं एंड दे डो नाट है और इनकी कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती जिसके जरिए से हम इनका साइज़ मैयर कर सके प्रॉपर तरीके से और बता सके कि ये एटम का साइज़ है सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैयर द साइज ऑफ़ एटम एटम का साइज़ मैयर करना बहुत मुश्किल होता है इसीलिए ये अज्यूम किया जाता है इमेजिन किया जाता है कि एटम्स जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप में होते हैं स्फेयरस होते हैं सो अटोमिक रेडियस जो होता है दैट इज़ हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्ए ऑफ़ टू बॉन्डेड एटम्स दो एटम्स जब आपस में बॉन्ड बना रहे हैं या क्लोजली प्रेजेंट हैं तो उनके दोनों की न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ उसे हम अटोमिक रेडियस कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ये दो एटम्स हैं सपोज कार्बन के एटम्स हैं दोनों आपस में क्लोजली क्लोज प्रेजेंट हैं सपोज के इनके बीच में बॉन्ड बन है ये इन दोनों के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है अब दोनों की के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज वन फिफ्टी फोर पिकोमीटर ये टू आर बनता है टू आर मीन्स की फर्स्ट वाला जो कार्ब कार्बन एटम है उसका जो रेडियस है और सेकेंड वाले का रेडियस दोनों को ऐड करें तो टू आर बनता है इसका जो हाफ है दैट इज 77 सेवन तो ये जो दोनों की न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बन रहा है वन फिफ्टी फोर इसका हाफ सेवेंटी सेवन इसे हम अटोमिक रेडियस कहते हैं या ये कह लें कि किसी भी एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है वहाँ से लेके जो उसका वैलेंस शेल है जो आउटर मोस्ट शेल है वहाँ तक जो डिस्टेंस बनता है उसको ऑटोमिक रेडियस कहते हैं मीन्स के एटम का रेडियस ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल ट्रेंड मीन्स के पीरियोडिक टेबल में जो अट, एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन एलिमेंट्स का अटोमिक साइज किस तरह से वेरी करता है चेंज होता है लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में कैसे चेंज हो रहा है उनका साइज फर्स्ट में जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका साइज़ क्या है उससे नेक्स्ट हम मूव करते हैं तो जो एलिमेंट आता है उसका साइज़ में क्या चेंज आता है या टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में जब हम मूव करते हैं तो एलिमेंट्स में अटॉमिक रेडियस किस तरह से चेंज होता है या अटॉमिक साइज़ किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो इसे हम ट्रेंड कहते हैं ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल तो सबसे पहले अलॉन्ग पीरियड देखते हैं पीरियड्स सपोज सेकेंड पीरियड है ये आपके पास इसमें लिथियम है ये कंप्लीट सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं अब इसमें से जो फर्स्ट एलिमेंट है एल आई लिथियम ये ग्रुप वन में आता है नेक्स्ट जो एलिमेंट है बी ई बेरीम ये ग्रुप नंबर टू का एलिमेंट है सेंटर में जो है टेन पोजिशन जो है यहाँ पे एम टी है यहाँ पे सेंटर में कोई एलिमेंट्स नहीं होते देन ग्रुप नंबर थर्टीन का जो एलिमेंट है बी बोरोन वो भी सेकेंड पीरियड में आता है ग्रुप नंबर फोटीन का एलिमेंट है कार्बन नेक्स्ट नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एनी नियोन ये सब जो हैं डिफरेंट ग्रुप्स के हैं लेकिन पीरियड इनका सेम है सेकेंड पीरियड ये आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं एलाई लिथियम बी बेरीलियम, बोरोन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, नियोन और इनके लोअर पोजिशन पे जो नंबर्स लिखे हुए ये इनके एटॉमिक नंबर्स हैं और अटोमिक नंबर जो होता है किसी भी एलिमेंट का वो उसकी पोजिशन भी बताता है कि पीरियोडिक टेबल में वो किस पोजिशन पर प्रेजेंट है लाइक like लिथियम Li, जो है इसका अटोमिक नंबर थ्री है तो इट मीन्स कि ये हमारे पास जो पीरियड पीरियोडिक टेबल वो वहाँ पे पोजिशन नंबर थ्री पे प्रेजेंट है बेरीलीम का अटोमिक नंबर फोर है ये फोर्थ पोजिशन पे होता है बोरॉन फिफ्थ पोजिशन पे है कार्बन सिक्स नाइट्रोजन सेवन ऑक्सीजन एट फ्लोरिन नाइन्थ और नियॉन टेंथ पोजिशन पे है और यहाँ पे सेकेंड रो में ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये इनके अटोमिक स्ट्रक्चर्स हैं लाइक like, लिथियम में देखें और इससे नीचे ये जो रो है इसमें इनके ये इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट बताइए फॉर एग्जांपल फर्स्ट है आपके पास लिथियम लिथियम का अटोमिक नंबर है थ्री तो जो अटोमिक नंबर होता है एलिमेंट का उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं सो इट मीन्स कि लिथियम में थ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जितने उसमें प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं अब ये इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कैसे होती हैं कोई भी एटम हो जो होता है उसका फर्स्ट शेल है जो के शेल है उसमें टू इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो थ्री में से टू इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में चले गए और जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में आ जाएगा तो इस तरह से इसके फर्स्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन है और सेकंड में वन नेक्स्ट एलिमेंट इज़ बी बेरीलीम इसका टॉमिक नंबर फोर है इसके फोर इलेक्ट्रॉन्स में से फर्स्ट टू इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में एंड रिमेनिंग टू सेकेंड शेल में चले गए तो टू टू इलेक्ट्रॉन्स हो गए नेक्स्ट इसी तरह से एलिमेंट है उसमें वन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है वो सेम शेल में ऐड हो रहा है क्योंकि सेकेंड शेल में मैक्सिमम एट इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं कार्बन में एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए सिक्स इलेक्ट्रॉन्स है इसमें टू फर्स्ट शेल में फोर रिमेनिंग जो होंगे वो सेकेंड शेल में आ जाएंगे सो फर्स्ट शेल के टू हैं और सेकेंड के फोर नाइट्रोजन में सेवन हो गए उसमें से टू फर्स्ट शेल में फाइव सेकेंड शेल में ऑक्सीजन के फर्स्ट शेल में टू सेकेंड में सिक्स फ्लोरिन के फर्स्ट में टू सेकेंड में सेवन और नियोन का जो है ये स्टेबल है फर्स्ट शेल में टू है सेकेंड शेल में इसके एट एलिमेंट्स हैं तो ये स्टेबल एटम है इसको ना इलेक्ट्रॉन चाहिए लेने की ज़रूरत भी नहीं है इसको ना ही इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है इसको सो so, इसमें अगर आप देखें लेफ़्ट टू राइट अगर हम मूव करें तो इन सब में जो इलेक्ट्रॉन अटोमिक नंबर इंक्रीज़ तो हो रहा है लेकिन अटोमिक नंबर इंक्रीज़ होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स आप देखें सेम शेल में आ रहे हैं इनका नंबर ऑफ शेल्स नहीं इंक्रीज़ हो रहा तो क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स नहीं इंक्रीज़ होते लेफ़्ट टू राइट इसी वजह से इनका साइज़ आइटम का साइज़ भी नहीं बढ़ेगा क्योंकि साइज तब बढ़ता है जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे इनमें इन सब में टू टू शेल्स प्रेजेंट है सेकेंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं इसी तरह से थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होंगे उन सब में थ्री शेल्स होते हैं फोर्थ शेल की जो एलिमेंट्स हैं उनमें फोर शेल्स होते हैं सो so, अब लेफ़्ट टू राइट एक तो पॉइंट आ गया कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है उसकी वजह से साइज़ नहीं इंक्रीज़ हो रहा अब ये जो ऑटोमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है सो ऑटोमिक नंबर हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटोन्स को और वो प्रोटोन्स प्रेजेंट होते हैं सेंटर में जो एटम का सेंटर होता है फॉर एग्जांपल पॉजिटिव साइन से इसका न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है ये पॉजिटिव साइन शो कर रहा है प्रोटॉन को जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता सो so, जो ओवरऑल न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है ये दिस इज बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स सो लिथियम में सेंटर में एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है सेकेंड आपके पास जो एलिमेंट है बी बेरीम इसका टॉमिक नंबर फोर है तो इसमें फोर प्रोटॉन्स है तो इसका जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू लिथियम क्योंकि लिथियम में अटोमिक नंबर थ्री तो इसमें थ्री प्रोटोन्स हैं न्यूक्लियस में बेरीलीम में फ़ोर प्रोटोन्स हो गए तो सेंटर वाला चार्ज थोड़ा सा इंक्रीज हो गया देन नेक्स्ट बोरन में फाइव प्रोटोन्स हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज मज़ीद इंक्रीज हो गया इसी तरह से जैसे जैसे अटोमिक नंबर बढ़ता जा रहा है तो इनका सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है अब इससे क्या होगा इससे ये होगा कि सेंटर में जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ होगा तो इसके बाहर जो शेल्स हैं शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पर माइनस चार्ज होता है और हमेशा टू ऑपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होती है प्लस और माइनस में तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस चार्ज है और सेंटर में जो न्यूक्लियस है उस पर प्लस चार्ज है तो लिथियम में तो देखें सेंटर में न्यूक्लियस का चार्ज बिल्कुल स्मॉल है इसलिए इसका जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सेकेंड शेल में वो न्यूक्लियस से दूर होता है तो इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन जैसे ही सेंटर में जो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है ये क्या करता है सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है जिससे इसका साइज़ देखिए थोड़ा सा कम हो गया तो जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज़ न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है और ये चार्ज क्यों बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटोन तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस स्ट्रोंगली सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जा रहा है तो साइज़ में रिडक्शन आ रही है सो लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में अटोमिक साइज डिक्रीज करता है अब इन सब पॉइंट्स को हम समराइज कर लेते हैं सो अलॉन्ग पीरियड्स अलॉन्ग पीरियड्स मीन्स लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं तो अटोमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है अटोमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से नंबर ऑफ प्रोटोन्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटोन्स जब इंक्रीज होंगे तो प्रोटोन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट है न्यूक्लियस में जब ये ज़्यादा होंगे तो प्लस चार्ज इंक्रीज़ हो जाएगा सो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ हो रहा है जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है एटवर्ड्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी तरफ जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो भी इंक्रीज़ होगी न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा इससे क्या होगा कि जो आउटर मोस्ट शेल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा न्यूक्लियस की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाएगा और ओवरऑल जो साइज होगा वो रिड्यूस हो जाएगा सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड साइज ऑफ एटम डिक्रीज ग्रेजुअली और इसकी रीजन क्या है इसकी रीजन ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये सब इसकी रीजन है कि अटोमिक साइज लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में डिक्रीज करता है अब ग्रुप्स की बात कर लेते हैं ग्रुप्स में आपके पास पीरियडिक टेबल में टोटल एटीन ग्रुप्स प्रेजेंट है हम ग्रुप नंबर वन ले लेते हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं ग्रुप नंबर वन में फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम इसका टॉमिक नंबर है थ्री तो इसमें थ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं थ्री में से फर्स्ट चेल में टू और सेकेंड में वन इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट एलिमेंट है सोडियम इसका टॉमिक नंबर इलेवन है इलेवन में से टू इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में हैं और एट इलेक्ट्रॉन्स इसके सेकेंड शेल में हैं ये टोटल हो गई टेन इलेक्ट्रॉन्स जो इलेवंथ इलेक्ट्रॉन है ग्यारहवा इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में चला जाएगा क्योंकि सेकंड शेल की कैपेसिटी जो है वो टोटल एट इलेक्ट्रॉन्स की है वो एट इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रख सकता क्योंकि नहीं कर सकता इसलिए वो जो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में चला गया अब देखें डिफरेंट से किस साइज का इसमें टॉप टू बॉटम जब हम मूव कर रहे हैं तो अटोमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन अटोमिक नंबर्स इंक्रीज होने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन जो इंक्रीज़ हो रहे हैं वो एक्स्ट्रा शेल में जा रहे हैं नंबर ऑफ़ शेल्स भी बढ़ रहे हैं सो नंबर ऑफ़ शेल्स इस तरह से बढ़ रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते जा रहे हैं लेफ़्ट टू राइट जो पीरियड्स थे उनमें इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे थे लेकिन सेम शेल में जा रहे थे नेक्स्ट एलिमेंट है पोटाशियम इसमें इसका टॉमिक नंबर नाइनटीन है फर्स्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन सेकेंड में एट ये टोटल एट टेन इलेक्ट्रॉन्स हो गए अभी रिमेनिंग नाइनटीन इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं उनमें से थर्ड शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स और जो नाइनटीन इलेक्ट्रॉन है उन्नीसवां जो इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट शेल में आएगा सो टॉप टू बॉटम आप देखें जब मूव करते हैं तो एलिमेंट्स का अटोमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है अटोमिक नंबर इंक्रीज़ होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स नंबर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन नंबर इंक्रीज़ होने की वजह से नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ने की वजह से इनका साइज भी बढ़ रहा है सो so, लेफ्ट टू टॉप टू बॉटम इन ग्रुप अटोमिक साइज इंक्रीजेज तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टॉप मोस्ट पे हाइड्रोजन होता है इसका साइज बिल्कुल छोटा है इसका अटोमिक नंबर वन होता है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन एक प्रोटोन होते हैं लिथियम का साइज इंक्रीज हो रहा है सोडियम का उससे भी ज़्यादा हो गया पोटाशियम का मजीद बढ़ गया रूबीडियम और देन सीजियम आ गया हमारे पास सो इन सब पॉइंट्स को हम समराइज कर लेते हैं इन ग्रुप्स ग्रुप्स मीन्स टॉप टू बॉटम हम जब मूव करते हैं तो ऑटोमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है ऑटोमिक नंबर इंक्रीज़ होने के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और ये जो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो नंबर ऑफ़ शेल्फ भी इंक्रीज़ हो रहे हैं उनकी वजह से क्योंकि अलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जा रहे हैं तो उनको अकोमोडेट करने के लिए एटम्स में एडजस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा शेल्फ चाहिए तो नंबर ऑफ़ शेल्फ भी इंक्रीज़ होते हैं अब नंबर ऑफ़ शेल्स जब इंक्रीज़ होते हैं तो सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज होता है वो अगर हम कंपेयर करें साइज़ के साथ तो वो चार्ज कम होता है न्यूक्लियर चार्ज और जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है बाहर वाले शेल की तरफ वो कम हो जाती है क्योंकि सेंटर में अब एक्स्ट्रा शेल्स प्रेजेंट हैं तो न्यूक्लियस जो होता है वो बाहर जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ तक उसकी अट्रैक्शन नहीं पहुँच पाती वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता अपनी तरफ सो अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टू वर्ड्स इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एंड एटॉमिक साइज इंक्रीज जब अट्रैक्शन डिक्रीज होती है तो इससे साइज बढ़ जाता है इंक्रीज होता है सो कंक्लूजन इसका ये आया रिजल्ट ये है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप साइज़ ऑफ एटम्स इंक्रीजेस और इसकी रीज़न जो है ये अब मैंशन ये जो पॉइंट्स हैं ये सब पॉइंट्स इनकी रीज़न है कि एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम ग्रुप में इंक्रीज करता है नौ यहाँ पे ग्रुप नंबर थ्री से लेके ग्रुप नंबर ट्वेल्व ये जो एलिमेंट्स हैं सेंटर में पीरियोडिक टेबल में इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं इनमें इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो साइज होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरह से वेरी करता है अभी जो हमने पीरियड्स की एग्जाम्पल पढ़ी थी वो हमने सेकेंड पीरियड लिया था और उस सेकेंड पीरियड में ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं थे शामिल सेंटर में तो हमने उसमें ट्रेंड मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से अटामिक साइज़ में डिक्रीज आता है लेकिन ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनमें थोड़ा सा चेंज होता है ये ट्रेंड तो इज स्लाइट वेरिएशन वेरिएशन इस तरह से होती है कि एटम का साइज़ पहले तो रिड्यूस होता है जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा लेकिन उसके बाद क्या होता है कि इंक्रीज़ आता है साइज़ में लेफ्ट टू राइट जब हम फॉर एग्जांपल फोर्थ पीरियड फोर्थ पीरियड में मूव करते हैं फोर्थ पीरियड में ट्रांजिशन एलिमेंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड पीरियड में ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं प्रेजेंट लेकिन फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एलिमेंट में प्रेजेंट है तो फोर्थ पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो पहले साइज़ डिक्रीज होता है और फिर इंक्रीज़ होता है जबकि बाकी जो हमने अभी ट्रेंड पढ़ा उसमें क्या होता है लेफ़्ट टू राइट कंटिन्यूसली ग्रेजुअली ड्रीज कर रहा है साइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सी नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफेज